हेलो। दोस्तों सब बताइए, मैं ऑडिबल हूँ, सबके लिए ऑडिबल हूँ। सब यस का मैसेज भेजिए प्लीज़। फिर दोस्तों वेदर ऑडिबल, ग्रेट ग्रेट, ओके, नाउ आई एम ऑडिबल। हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे डिस्कशन सो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारे ये डिस्कशन के रूल्स सबके लिए बता दूँ। आई होप सभी ज्वाइन हो गए होंगे। इन बिटवीन कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सेकंड, या अननेसेसरी कमेंट्स आप एक मेक के पेस पास नहीं करोगे। पूरा ध्यान जो है हमारे डिस्कशन पे रखोगे। आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे वो एंड में मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो मैं बाद में लूँगा। अभी बिल्कुल आप साइलेंटली हमारा सेशन देखोगे, ठीक है? सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। मैं ये कह दूं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों अभी करंट सिचुएशन में आपको बता दूं कि जैसे निसर्ग तूफान जो है हिट करने वाला है मुंबई, कोंकण और पुणे को। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। नो डाउट रोमांटिक मौसम है, और आप रोमांटिक मौसम में मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो। और हमारा रोमांटिक मौसम क्या है? शादी को बेटा 13 साल हो गए। चलिए ना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम आज यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए, बाकी जूम कैसे कनेक्ट होगा क्या होगा मैं डिटेल्स बाद में आपको बताऊंगा हमारे सेक्शन के एंड में। और आप कैसे कनेक्ट होगे, आपकी की वगैरह जो है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल कोई अननेसेसरी कमेंट्स नहीं है, चलो हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करें, ठीक है दोस्तों? यस और नो? चलिए सो दोस्तों हमारा फर्स्ट सेशन डेफिनेटली आपको हेल्प किया होगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस समझ में आ गया कि कैसे लिखना क्या लिखना। अब हम चालू करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस और टीसीएस। इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपके पास रेगुलर बुक होगी तो रेगुलर बुक बेटा यहाँ ओपन करके रखिएगा। हम डिस्कशन रेगुलर बुक से करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार कह दूँ कि आपके यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम होगी या मेरे तरफ से कोई इंटरनेट प्रॉब्लम होगी तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और हमारा सेशन होने के बाद रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो जाएगा। बाद में भी आप ये सेशन देख सकते हो, लेकिन जिसके पास बहुत अच्छी स्पीड है वो यहाँ पे ये सेशन मेरे साथ कंप्लीट कर सकता है, ठीक है? बाकी सब बातें शाते मुलाकातें लेक्चर के एंड में। पहले हम जो ऑब्जेक्ट से डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट, कुछ टॉपिक्स पे रिवीजन खत्म करते हैं, ओके, बाकी बातें बाद में, ठीक है? तो चलिए
शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स में बुक आपके सामने रखिए, जो मेरा मॉड्यूल है वो मेरा मॉड्यूल आपके सामने रखिए। दो मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ और उसके बेस पे हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बेटा पेमेंट ऑफ टैक्स में हमने कि मोस्टली क्या देखा था, हमने मोस्टली यहाँ पे देखा था कि सेक्शन 49, ध्यान से सुन लीजिएगा मुझे, सेक्शन 49 में हमने ये देखा था कि आपने कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर कैसे मेंटेन करना चाहिए। कैश लेजर आप कौन कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, आप कैश लेजर जो है सभी पर्पज़ यानी पेमेंट ऑफ टैक्स, पेनल्टी, लेट फी वगैरह सबके लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट लेजर आप सिर्फ आउटपुट टैक्स पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी और किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। एक पॉइंट हमने जो मोस्ट यहाँ देखा था, रिफंड। रिफंड बेटा आपको कैश लेजर का इमीडिएट मिल जाएगा, सेम मंथ के रिटर्न में भी आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट लेजर का रिफंड जो है बेटा सिर्फ दो केस में मिलता है। फटाफट बताओ ओके, कौन से दो केस में, मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ। ओके, मैं आपके आंसर का राह देख रहा हूं बेटा, कौन से दो केस में यहां पे मिलेगा। तो आपको यहां पे रिफंड जो है क्रेडिट लेजर का आपको जो है यहां पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, सही, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर और जीरो रेटेड सप्लाई के केस में आपको ये रिफंड मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था। उसके बाद में हमने कैश लेजर और क्रेडिट लेजर कैसे यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दे दूँ, क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर के लिए हमने ये देखा था कि IGST का क्रेडिट, फटाफट याद कीजिएगा, IGST का क्रेडिट सबसे पहले यूज़ करना। वो IGST का क्रेडिट पहले CGST, SGST, सॉरी IGST का क्रेडिट पहले IGST के पेमेंट के लिए यूज़ करना और बाद में जो बचेगा वो CGST और SGST के पेमेंट में आप कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, अगर IGST का क्रेडिट एग्जॉस्ट हो जाता है, ओके, IGST का क्रेडिट एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो केस में दोस्तों यहां पे यस, बाद में ही CGST और SGST का क्रेडिट यूज करना स्टार्ट करोगे। CGST और SGST का क्रेडिट सेक्शन 49B रीड विथ रूल, तो ये रूल के हिसाब से आप CGST का क्रेडिट किसी में भी यूज कर सकते हो, CGST एज वेल एज IGST, पहले IGST बाद में CGST या पहले CGST बाद में IGST या SGST का क्रेडिट आप पहले SGST, IGST या फिर IGST, SGST किसी में भी यूज़ कर सकते हो। पर इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन था कि CGST और SGST का क्रेडिट यूज़ करते वक्त कॉमन पोर्टल पे अभी अरेंजमेंट नहीं है, तो फिर दोस्तों आपको जो है पहले CGST में यूज़ करना और IGST में बाद में यूज़ करना। तो हम सर्क्यूलर फॉलो करेंगे, पहले CGST और बाद में IGST और SGST का क्रेडिट पहले SGST और बाद में IGST, क्रॉस क्रेडिट ओके किसका, CGST SGST का अलाउड नहीं है। इस पे हमने एक सर्कुलर क्लेरिफिकेशन वगैरह देखा था। उसके बाद में बेटा कैश लेजर, कैश लेजर में ओके आपको एक बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा, TTMM चलता है। TTMM मतलब यहां पे कैश लेजर का अमाउंट जिसमें आपने डिपॉजिट किया, आपने मेजर हेड और माइनर हेड, ओके मेजर हेड और माइनर हेड, तो मेजर हेड और माइनर हेड के जितना पैसा डिपॉजिट किया वही हेड में आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर समझ लो आपने IGST में टैक्स में पैसा डिपॉजिट किया तो आप टैक्स पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, ओके, और किसी के लिए नहीं। इंटरेस्ट में डिपॉजिट किया तो IGST के इंटरेस्ट या पेनल्टी या फीस के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी आप रिस्पेक्टिव मेजर हेड और रिस्पेक्टिव माइनर हेड में यूज़ कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट, एक नोटिफिकेशन आया था और रूल 87 में अमेंडमेंट हुई थी, लेकिन उस अमेंडमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे कि आप एक हेड से बैलेंस दूसरे हेड में शिफ्ट कर सकते हो PMT09 चालान यूज करके, तो उसके बारे में एक प्रॉब्लम भी है, हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में लायबिलिटी रजिस्टर आप किस पर्पस के लिए यूज करोगे, तो ये तो हमने डिस्कशन किया। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा और वो है कि TDS और TCS, सुनो TDS और TCS जो भी आपका डिडक्ट होता है वो आपके कैश लेजर में जमा होता है, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। और उसके बाद में सेक्शन 50, इस बार सेक्शन 50 पे छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट, आई रिपीट, इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर डिले पेमेंट ऑफ टैक्स यानी आपने ड्यू डेट में टैक्स नहीं पे किया, सुनो ड्यू डेट में आपने टैक्स नहीं पे किया तो वो सिचुएशन में आपका इंटरेस्ट 18% पर एनम रहेगा। और नेक्स्ट अगर आपने यहाँ पे ड्यू डेट में टैक्स पे कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर ITC का अनड्यू क्रेडिट आपने लिया होगा जो आपका मिसमैच हो रहा है तो वहाँ 24% पर एनम का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, डे वाइज बेसिस पे कैलकुलेट होगा। डेट होगी ड्यू डेट के बाद की, टिल द डेट ऑफ पेमेंट उतने नंबर ऑफ डेज आपको लेना पड़ेगा। तो ये था रिगार्डिंग टू ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। फिर से मैं कहता हूँ कोई कमेंट पास मत करें, पूरा 100% अटेंशन मेरे तरफ ध्यान दो, ओके, आपकी टाइपिंग कमेंट बिल्कुल आपका अटेंशन डाइवर्ट मत
करना, ओके, तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो ये छोटी सी रिवीजन, उसके बाद में पूरा डिस्कशन। उसके बाद में बेटा यहाँ पे एक बात कह दूँ कि मेगा इंजीनियरिंग कंपनी का एक केस आया था, और वो केस में आपको जो इंटरेस्ट जो है, ओके, ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा या नेट अमाउंट पे लगेगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट उन्होंने कहा, अगर आपने रिटर्न नहीं दिए हो, वो केस का एक स्पेशल फीचर है कि अगर आपने रिटर्न नहीं दिए है, 6 महीने के रिटर्न नहीं दिए और एक साथ आप टैक्स पे कर रहे हो, तो फिर ओके आपका जो क्रेडिट पड़ा है वो यूज़ करने नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा। इस पर अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2019 में, पर ये जुलाई एग्जाम को अप्लीकेबल नहीं है, आगे नेक्स्ट एग्जाम को अप्लीकेबल होगी, तो वो नेट अमाउंट पे आई है। लेकिन मैं आपको फिर से कह दूँ, यहाँ पे नेट नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी अभी तक कोई 30 अप्रैल तक नोटिफिकेशन उससे रिलेटेड नहीं आया, तो मुझे डाउट है कि वो अप्लीकेबल होया नहीं होगा। पर आपको फिर से कह दूँ, ग्रॉस पे निकालना है, पर स्पेशली ये केस वो है, ओके, जहाँ पे ना आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो बेटा, ओके। उसके बाद में बेटा TDS और TCS, चलो 2 मिनट में ये देख लेते हैं। TDS और TCS, TDS आपका कटेगा, ओके, CGST 1%, SGST 1%, आपका 2% का TDS कटेगा। TDS काटने वाला कौन होगा? अगर आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया जिसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा है, और वो नोटिफाइड पर्सन हो गए, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज, या पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ओके, पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बुक आपके सामने चाहिए मुझे अभी, ठीक है? कौन कौन से पर्सन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए? तो जो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट और बॉडी सेटअप बाय पार्लियामेंट, या ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें मोर देन 50% ओके स्टेक है गवर्नमेंट का, या ऐसी सोसाइटीज जो रन बाय गवर्नमेंट और PSU, ओके, यहां पे ये जो है ये TDS काटेगा बेटा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ TDS काटने के लिए उन्होंने एग्जम्पशन भी दिए। डिफेंस होगा तो TDS नहीं काटेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगा तो। दूसरा, एक PSU दूसरे PSU को सर्विस दे रहा है, गुड्स दे रहा है, तो उसमें TDS नहीं काटा जाएगा। और नेक्स्ट जो है बेटा इंपॉर्टेंट, कि अगर ये जो नोटिफाइड पर्सन है ये एक-मेक-मेक सप्लाई करते हैं तो TDS नहीं काटा जाएगा, ओके, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है 2,50,000 के ऊपर होगा तो ही TDS काटा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो कि TDS तो जितना वो पेमेंट हो रहा है उतनी अमाउंट पे कटेगा, मतलब आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3 लाख होगी, पर अभी आज का पेमेंट 50,000 ही हो रहा है, ओके, तो वो 50,000 पे ही TDS काटेंगे। लेकिन TDS काटना है कि नहीं काटना है, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ओके, कितनी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो 2,50,000 के ऊपर चेक किया जाएगा। इसमें बेटा नेक्स्ट हमने एक प्रोविजो जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है कि यहां वो प्रोविजो क्या कहती है, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, ओके, समझ लो मैं यहाँ पे ही सप्लाई कर रहा हूँ, और महाराष्ट्र में कोई दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो उनको मैं सप्लाई कर रहा हूँ, पर मैं बिल दिल्ली भेज रहा हूँ, तो रिसिपिएंट अगर बाहर है पर सप्लायर भी सेम स्टेट में है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी सेम स्टेट में है, तो रिसिपिएंट दिल्ली गवर्नमेंट मेरा TDS नहीं काटेगी, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो होगा वो इंट्रास्टेट सप्लाई किया जाएगा और वहाँ दिल्ली से वो ये TDS नहीं काटा जाएगा। वो एक स्पेशल बात आपने याद रखना है TDS में। बाकी TDS की ड्यू डेट वगैरह तो ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट, एक कुछ बातों पे आपको ध्यान रखना है, और वो क्या, ये बातों पे बेटा कि TDS अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से होगा ऊपर होगा तो ही कटेगा। दूसरा, TDS अगर आपका कंबाइंड सप्लाई, टैक्सेबल और एग्जम सप्लाई, सुनो मेरी बात, आपका टैक्सेबल और एग्जम सप्लाई है तो वो सिचुएशन में ओनली टैक्सेबल सप्लाई कंसिडर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में, और उतनी ही वैल्यू पे TDS काटा जाएगा, ओके, एग्जम सप्लाई एक्सक्लूड किया जाएगा। और अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई कर रहे हो तो उस पर TDS नहीं काटा जाएगा। सेम फॉर एग्जम्प्टेड सर्विस। उसके बाद में ओके, आपको कोई गुड्स मिलता है उस ऐसे गुड्स जिस पे पर GST लेवी नहीं है, ओके, उस पे TDS नहीं कटेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा, यहां Schedule 3 के अगर सप्लाईज हो गए तो उस पे TDS नहीं कटेगा। और इनवॉइस 110/2018 के पहले तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर्स चार्ज, अगर आपका रिवर्स चार्ज की एक्टिविटी होगी तो TDS नहीं काटा जाएगा, मतलब ओके, गवर्नमेंट ने GTA सर्विस लिया, वैसे तो GTA सर्विस गवर्नमेंट के लिए एग्जम्प्ट है, या फिर कोई भी ऐसी सर्विस ली, ओके, जहाँ जी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो केस में वो TDS नहीं काटा जाएगा जो रिवर्स चार्ज में आती है। और सेस से रिलेटेड पेमेंट होगा तो TDS नहीं काटा जाएगा, या अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया तो TDS नहीं काटा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने TDS की देखी। चलो 2 मिनट में TCS की प्रोविजन देख लेते हैं। तो यहाँ
टीसीएस की प्रोविजन क्या बेटा, टीसीएस ईसीओ काटेगा, ये ईसीओ 9-5 के नहीं होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ईसीओ 9-5 के नहीं होने चाहिए, ये टीसीएस ईसीओ काटेगा, पर दुनिया भर में बहुत सारे ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मेरी वेबसाइट है, खुद की वेबसाइट है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बना रहा है वो ईसीओ कहा जाता है, क्या सभी ईसीओ टीसीएस काटेंगे? नहीं, टीसीएस काटने की कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है बेटा कि आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बना रहे हो और किसी अदर सप्लायर, सुनिए मेरी बात, किसी अदर सप्लायर का गुड्स अपने प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे हो या सर्विसेज अपने सब प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे हो और वो सर्विसेज 9-5 में नोटिफाइड नहीं है तो टीसीएस काटा जाएगा। जिसका कंसीडरेशन पहले आपको आ रहा है, जैसे अमेज़न, जिसका कंसीडरेशन पहले आपको आ रहा है और बाद में आप रिमिट कर रहे हो, तो वो सिचुएशन में टीसीएस नहीं काटा जाएगा, सॉरी वो सिचुएशन में टीसीएस काटा जाएगा। बाकी अदर इश्यू हो गए, जैसे मैं अपने वेबसाइट पे खुद के गुड्स बेच रहा हूँ या मैं एज ए एजेंट काम कर रहा हूँ जिसका मुझे कंसिडरेशन मैं कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट डीलिंग हो रही है, सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, तो वो केस में टीसीएस नहीं कटेगा। सो दोस्तों, ओके, किसी अदर सप्लायर का गुड्स और सर्विसेस है, सर्विसेस 9-5 में कवर्ड नहीं है, कंसिडरेशन मुझे मिल रहा है और मेरे थ्रू ओके रेमिटेंस हो रहा है, तो वो टीसीएस काटा जाएगा। अभी टीसीएस का रेट फिर से याद रखें, टीसीएस का रेट 0.5% या 0.5% टोटल 1% है। ओके, आई रिपीट, 0.5% 0.5% 1% टीसीएस का रेट है और आईजीएसटी होगा तो टोटल 1% कट किया जाएगा। उसके बाद में टीसीएस जो कटेगा वो आपका नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइज कटेगा। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइज मतलब क्या बेटा, कि जो भी सप्लायर के गुड्स, ध्यान से सुनना, जो भी सप्लायर के गुड्स बेचे गए ओके यहाँ पे ईसीओ के थ्रू, तो उसमें से इस मंथ का सेल्स रिटर्न डिडक्ट करके जो नेट वैल्यू बची वो नेट वैल्यू पे टीसीएस काटा जाएगा। और सेल्स रिटर्न ज़्यादा होगा और वैल्यू निगेटिव होगी तो फिर टीसीएस नहीं काटा जाएगा। तो ये नेट वैल्यू के कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देना है आपको एग्जाम पर्पज के लिए। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट, यहां पे जो भी टीसीएस ईसीओ काटेगा वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाएगा और उसका आप बेनिफिट लोगे। अब टीसीएस के केस में या टीडीएस के केस में क्या होता है, टीसीएस या टीडीएस के केस में नॉर्मल असेसमेंट सप्लायर को ही करना पड़ता है। मैं 9-5 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 52 की बात कर रहा हूं, नॉर्मल असेसमेंट सप्लायर को ही करना पड़ता है। ओके, सिर्फ उसका टीसीएस उसके नेट वैल्यू पे काटा जाएगा, वो जब नॉर्मल असेसमेंट करेगा GSTR1 में डिक्लेयर करेगा तो उसमें उसका बेनिफिट ले लेगा। तो ये हमने टीसीएस के बारे में बात किया। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि टीसीएस जो है या एग्जम्प्टेड सप्लाई के रिलेटेड नहीं लगता है, या अगर कोई सप्लायर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है और वो अनरजिस्टर्ड है तो उसको भी टीसीएस नहीं लगेगा यहां पे। अगर हाँ बेटा, अगर यहाँ पे टीसीएस के लिए अगर कोई स्टेट में आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो आपके हेड क्वार्टर जहाँ होगे उसके बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ कवर किए। तो आखिरी में जो सीबीआई से क्लैरिफिकेशन है वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारी रिविजन हो रही बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारी रिवीजन हुई। आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस? चलो फटाफट क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। बुक आपके सामने है, ओके, बुक आपके सामने रखना। हमारी स्टेप्स क्वेश्चन सॉल्व करने की, ये बार 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 हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करो, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन बेटा इतना इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना और यहाँ पे मोनोटोनस नहीं लगता है क्लास। तो पहली स्टेप, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर हमारे फैक्ट्स के साथ चेक करेंगे, आंसर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन पढ़ने की एक कला होती है, ये टेक्निक होती है और आपको मेरे साथ ये फॉलो करना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे, आर यू रेडी? सब कहिए यस, रेडी हो? यस और नो? ठीक है, और रिवीजन फास्ट ही होगी, आई होप कि आप पढ़ के आओगे इसलिए रिवीजन फास्ट ही होगी। मेरा फोकस है क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन लेंगे हम। मनियर एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली is engaged in the supply of various goods and services exclusively to government department, ठीक है, यानी TDS पे question है, agencies etc and person notified under section 51, ठीक है, तो government agencies और person notified under section 51 को वो supply कर रहा है, it has provided the information relating to supplies made, their contract value, payment dues against each of them इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 अंडर, ठीक है। चलिए फटाफट, पहले क्वेश्चन जब भी होते ना
तो फटाफट पढ़ लेना। फिर हम सेकेंड स्टेप, इतने फास्ट पढ़ना कि 2 मिनट में आपका क्वेश्चन और लुक हो जाना चाहिए, फिर एक एक चीज़ के फैक्ट्स को लेना और फिर हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ, सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू फिशरी डिपार्टमेंट कोलकाता, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ GST है, इस पर ध्यान दे देना कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इंक्लूसिव ऑफ GST है, और पेमेंट ड्यू अक्टूबर में, तो हमें फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर निकालना है, तो ये पॉइंट भी आपके ख्याल में रहना चाहिए। अक्टूबर में पेमेंट ड्यू 15,000 पहला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया, दूसरा कार रेंटल सर्विस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया, तीसरा सप्लाई ऑफ हेवी मशीनरी टू PSU अंडरटेकिंग लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है, तो PSU को दिया। उसके बाद में सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू डेली ऑफिस एट नेशनल हाउसिंग बैंक और सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा सप्लायर कहाँ रहता है, हमारा सप्लायर दिल्ली में है, ओके, ये ख्याल रहे। क्यों? क्योंकि जहाँ तक हम CGST SGST या IGST लगाए, ओके, ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वो सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है ये देखना जरूरी है, क्योंकि जो सामने वाला रिसिपियन TDS काटेगा वो रिसिपियन TDS CGST का SGST का या IGST का काटेगा, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स टू दिल्ली ऑफिस नेशनल बैंक और सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट इन इंडिया अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, अच्छा सोसाइटी जो है गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश भवन लोकेटेड इन दिल्ली सर्विस कॉन्ट्रैक्टेड इज एंटर्ड इनटू विद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी दिल्ली में है और वो आंध्र प्रदेश में सप्लाई कर रहे हैं, ओके, उसकी वैल्यू दिया है। नेक्स्ट, सप्लाई प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड पोस्ट कार्ड टू वेस्ट दिल्ली, दिल्ली में ही सप्लाई है, तो प्रिंटेड बुक्स और प्रिंटेड पोस्ट कार्ड। उसके बाद में आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 9,72,000 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर सप्लाई, ओके, सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स, तो ये जो है आपका 9,70,000 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बुक्स की जो एग्जम्प्ट है, और 7,00,000 जो है ये पोस्ट कार्ड जो टैक्सेबल है, सॉरी एग्जम्प्ट का 7,00,000 है और बचा हुआ 272 ये पोस्ट कार्ड टैक्सेबल का दिया हुआ है। पेमेंट 50,000 फॉर बुक्स है, 20,000 फॉर प्रिंटेड कार्ड्स है, चलिए। हाँ, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट, जस्ट रीड कर रहा हूँ, एनालिसिस बाकी है। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन अ म्यूनसिपल एरिया इस दिल्ली द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ऑल्सो इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ डिफंक्ट लाइट्स एंड अदर स्पेयर्स, हाउएवर वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स इज नॉट मोर देन 25% ऑफ वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई। An activity in relation to any function entrusted to an municipality under Article 243W of the Constitution. चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे क्या करना है ये देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी टू बी डिडक्टेड, हाँ हमें TDS फाइनल करना है, फॉर ईच ऑफ द रिसीवेबल गिवन अबव एज्यूमिंग रेट ऑफ CGST SGST एंड IGST रिस्पेक्टिवली 9%, 18%। Will your answer different if Manihar Enterprises is registered under composition scheme? ठीक है, चलो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हमारे फैक्ट्स को यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर ला, नोटबुक लो, पेन लो, मेरे साथ ये फैक्ट्स को एनालाइज करो, ये ही तरीका है। टाइम लगेगा लेकिन रीड करने से कुछ नहीं होता है बेटा, जितना आप ओके राइटिंग प्रैक्टिस एनालिसिस प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरा सजेशन है आपको बेटा। तो पहले यहाँ पे मनियर एंटरप्राइजेस, ओके, यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है मनिहर एंटरप्राइजेस, शॉर्ट में ओके मनिहर एंटरप्राइजेस कहाँ रह रहा है, दिल्ली, हमको उसका स्टेट जरूरी है दिल्ली, और वो सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ओके, मंथ कौन सा लेना है हमें, अक्टूबर, ओके अक्टूबर हमें लेना है, और अक्टूबर 2020 का डेटा दिया हुआ है, ठीक है 2020 का डेटा यहाँ पे सामने दिया है बेटा। चलो एक एक ट्रांजेक्शन अब हम एनालाइज करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन मेरे साथ एनालाइज करना है, सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ कोलकाता, क्या ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यस और नो, स्टेप्स देखो, ओके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो यस, फिशरी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ GST 2,60,000 है और ये कोलकाता दिया है इसलिए बेटा IGST का कंसर्न आएगा। तो नाउ यहाँ पे सप्लाई जो किया, एनालिसिस देखो,
ये सप्लाई फिशरी डिपार्टमेंट को किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को किया और कोलकाता में किया, तो यहाँ पे लग जाएगा आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेट 18% दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन टीडीएस का है, तो जो 2,50,000 का लिमिट है वो टीडीएस के लिए, टीसीएस के लिए नहीं है। तो टीसीएस के लिए तो कितना भी हो टीसीएस काटेगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में 2,50,000 ओके हम कंसिडर करें या ना करें, आई रिपीट 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए हम कंसिडर करें या ना करें। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे वैल्यू जो आप निकालोगे, ध्यान से सुनना, वैल्यू जो निकालोगे आप, ये अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया है, तो आप जीएसटी निकाल के पहले कॉन्ट्रैक्ट चेक करो। कॉन्ट्रैक्ट अगर 2,50,000 से कम होगा तो हम जीएसटी की बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2,60,000 रेट हमें 18% है जीएसटी का, नीचे दिया हुआ बेटा रेट 18% दिया हुआ है। तो 2,60,000 फटाफट देखो मेरे साथ डिवाइडेड बाय 118, तो आपका अमाउंट आ रहा है कितना, अमाउंट आ रहा है 2,20,338। तो देखो आंसर में भी इतना आना चाहिए, आंसर में आंसर में इससे रिलेटेड नोट दिया है बेटा, और नोट में डिवाइडेड 2,20,338। तो ये हमारा जहाँ तक देखा जाए, आप मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे ओके 2,20,338, तो ये आपका आंसर आ गया ओके। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 50,000 से नीचे है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 50,000 से नीचे है तो नो टीडीएस, यहाँ टीडीएस नहीं कटेगा, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो वेरी गुड, चलो आपने मेरे साथ ये सॉल्व किया कि टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि 2,50,000 के नीचे नहीं है। तो आपको 5 में से यहाँ पे हाफ मार्क ओके हो गया, आपके स्टेप्स को मार्क्स मिल गए ओके, यहाँ पे आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। अब हम प्रेजेंटेशन के पहले एनालिसिस कर लेते हैं, फिर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ कार रेंटल सर्विसेज टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। हमने सर्विसेज दी, कार रेंटल सर्विसेज दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, तो बेटा कार रेंटल सर्विसेज 2,95,000 की है और दिल्ली में दी, यानी सी जी एस टी एस जी एस टी लगेगा, तो 2,95,000 डिवाइडेड बाय 118, तो ये आपके आया 2,50,000 है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे आंसर दीजिए फटाफट ओके, 2,50,000 है तो क्या टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है, मैं भी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पता है पर सॉल्व कर रहा हूँ ओके, इस इमीडिएट बुक निकालना, बिल्कुल याद करने की कोशिश मत करना। अगर नहीं याद आ रहा है तो अपने माइंड को प्रेशर मत देना, बुक निकालना एक बार फिर से देखना। तो यहाँ पे टीडीएस टीसीएस की प्रोविजन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कन्फ्यूज हो रहे हैं कि डॉट लेस देन या मोर देन 2,50,000 है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे बेटा ये चैप्टर ओपन करो, और ये चैप्टर ओपन करके चैप्टर सामने रहने दो आपको, तो ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये केस में बेटा यहाँ अगर आप देखोगे तो सेक्शन 51 में वर्ड है या एक्सीड्स 2,50,000, वो एक्सीड्स, देखो अब जिंदगी भर याद रह जाएगा आपको, अभी आपने देखा और वहाँ एक्सीड लिखा हुआ है। अब क्या होता है यहाँ पे कि अगर आप रीड कर लेते, हाँ रीड हो गया, तो फिर आपने सिंथेसाइज नहीं किया, आपने एफर्ट्स नहीं किए। जब आप एफर्ट्स करते हो ना तब याद रहता है बेटा, ये रियल प्रैक्टिस होती है। बुक देखो आप, ओपन बुक रहने दो ओके, एफर्ट्स करो, यहाँ एक्सीड्स है, अब आपको जिंदगी भर याद रह जाएगा। मतलब यहाँ पे भी टीडीएस नहीं कटेगा, नो TDS, ये समझ रहे हो आप ओके, ना CGST और SGST का। दूसरा बेटा, सप्लाई ऑफ हेवी मशीनरी टू PSU, हाँ PSU नोटिफाइड पर्सन है, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे PSU है, सोसाइटी रन बाय द गवर्नमेंट है ओके, तो ये स्पेशली नोटिफाई किए हैं, तो यहाँ PSU को सप्लाई किया, अमाउंट 2,50,000 के ऊपर है, तो यहाँ TDS कटेगा। लेकिन अब सवाल आपके सामने क्या है, अब सवाल आपके सामने है कि जो TDS कटेगा बेटा, वो TDS कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे कटेगा हमारे प्रॉब्लम में कि पेमेंट, बेटा पेमेंट पे कटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एनालिसिस आपका हो जाना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑब्वियसली अगर आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करो तो 2,50,000 से ज़्यादा ही आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे कटेगा। उसके बाद में अब 25,000 का टीडीएस निकाल लो फटाफट, तो 25,000 का टीडीएस अगर आप निकालोगे तो यहाँ, सॉरी हाँ 25,000 का अब टीडीएस निकलेगा, तो वो यहाँ पे क्या रेट से निकालोगे बेटा 25,000 का टीडीएस ओके, कैलकुलेशन करो, तो रेट दिया है यहाँ पे आईजीएसटी का तो 18%, तो इनटू 18%, तो यहाँ पे सॉरी टीडीएस काट रहे हम, तो यहाँ पे टीडीएस 2% से आएगा, 2%, तो टीडीएस जब कटेगा तो 2% से कटेगा, ये 500 रुपीज़ आपका आएगा,
यहाँ पे बेटा 500 रुपीज़ ये काटा। अब वापस आ जाओ आप यहाँ पे बुक्स में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरा देखो, आप रीड तो आप भी कर सकते हो। मेरा आपका कि मेन ऑब्जेक्ट है कि मेन जो जो पॉइंट्स जो रियली हमने डिस्कस करने चाहिए, जहाँ ध्यान जाना चाहिए, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहाँ पे सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू दिल्ली ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी दिल्ली में सप्लाई किया, CGST SGST का पार्ट आ सकता है। और हमने सोसाइटी को सप्लाई किया जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश सोसाइटी, यहाँ ये नोटिफाइड पर्सन में आता है, और यहाँ पे आपको TDS काटना पड़ेगा। ऑब्वियसली अमाउंट 250,000 के ऊपर है, तो ये अमाउंट बेटा 250,000 के ऊपर है तो यहाँ TDS कटेगा, और 50,000 पे CGST और SGST का यहाँ TDS काटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो बात हुई सोसाइटी की। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पॉइंट, इंटीरियर डेकोरेटर ऑफ आंध्र प्रदेश लोकेटेड इन दिल्ली। चलो, एक आंध्र प्रदेश का है और आंध्र प्रदेश का इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस जो है दिल्ली में, आई रिपीट, दिल्ली में यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो उनका ये इमूवेबल प्रॉपर्टी दिल्ली में है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, हाँ, रिसिपिएंट बाहर है, तो सप्लायर दिल्ली का है, उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी दिल्ली की है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस प्रोवाइड किया, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही माना जाएगा। आई रिपीट, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही माना जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पे 12,39,000 जो है अमाउंट 2,50,000 के ऊपर भी जारी होगी, लेकिन प्रोविजो अप्लाई हो जाएगी, और प्रोविजो के हिसाब से यहाँ पे TDS नहीं कटेगा। आई रिपीट, यहाँ पे TDS नहीं कटेगा इवन दो अमाउंट 2,50,000 के ऊपर जारी होगी, क्योंकि प्रोविजो कहती है अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होगा तो आपका TDS नहीं कटेगा। इंटीरियर डेकोरेटर का प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, ओके, इसलिए यहां पे TDS नहीं कटेगा बेटा। उसके बाद में हाँ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छी है, सप्लाई प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड पोस्टकार्ड टू अ वेस्ट बंगाल पोस्ट ऑफिस आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 9,72,000 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर सप्लाई बुक्स एग्जम 7 लाख एंड टैक्सेबल 2,72,000, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो पोस्ट कार्ड टैक्सेबल है वो 2,72,000 है, 2,72,000, ओके। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहां पे कि इवन दो टोटल 972, आई रिपीट, टोटल जो है बेटा 972 आ रहा है, पर एग्जम्प्ट हमें कंसीडर नहीं करना है। जब भी हमें टोटल वैल्यू लेनी है तो टोटल वैल्यू हमें जो है यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल की लेनी है, तो यहाँ पे टैक्सेबल की टोटल वैल्यू ओके 2,70,000 है। अगर ये 2,70,000 है तो यहाँ पे ये डेफिनेटली ओके 2,50,000 से ज़्यादा है, और यहाँ पे TDS काटा जाएगा, और यहाँ पे जो TDS है बेटा यहाँ 2% से, मतलब ये नहीं सॉरी दिल्ली में है इसलिए 1% और 1% ओके CGST SGST काटा जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन अ म्यूनसिपल एरिया ऑफ इज दिल्ली द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू with the municipal corporation of Delhi also involve replacement of different light and other spares. The value of supply of goods not more than 25% of value of composite supply. The activity in relation to any function entrusted in municipality. अब देखो, यहाँ आप गड़बड़ कर सकते हो, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ आप गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू 3,50,000 है, 3,50,000 का पेमेंट, ख्याल रहे ओके, आप जब TDS काटोगे तो जितना पेमेंट है वो पेमेंट पे ही TDS काटोगे, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है आप 2,72,000 यहाँ पे थी वो उसी भी चेक करोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है ओके TDS काटने के लिए ओके यहाँ वो वैल्यू कंसिडर होगी, पर पेमेंट जो है उस पर निकालोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने गलती से 2,72,000 कह भी दिया होगा लेकिन आपका पेमेंट 20,000 है, उसके हिसाब से TDS काटा जाएगा। यहाँ पूरा पेमेंट है 3,50,000, तो ऐसे सिचुएशन में बेटा जहाँ तक देखा जाए तो 3,50,000 है, तो इस पर TDS काटना कि नहीं काटना, इसके लिए मैं थोड़ा आपको एक कंसेप्ट पे लेके जाऊँगा। यस, मैं यहाँ पे
एक एग्जम्पशन चैप्टर है, और एग्जम्पशन चैप्टर में एक कंसेप्ट पे आपको लेके जाऊंगा, स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा ये चैप्टर एग्जम्पशन। शायद आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर आपको याद होगा जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट लूंगा आपका टाइम। आपके पास बुक होगी तो आप भी ओपन करो। सीरियल नंबर 3 है और एंट्री 68 के आसपास होगी, आपने देख लेना। गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जम्पशन, जिसमें ये एग्जम्पशन दो मिनट में आपको पढ़ के बताता हूँ। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट मोर देन 25% ऑफ वैल्यू ऑफ सेड कंपोजिट सप्लाई एंड प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। मतलब आप गुड्स और सर्विस का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो और वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो, सुनो, वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो और जिसमें आपका गुड्स का वैल्यू 25% से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में, या लोकल अथॉरिटी को प्रोवाइड करते हो, तो ऐसे केस में वो सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी अगर आर्टिकल 243W के उस बेस पे वो यहाँ पे आपने सर्विसेज दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो आर्टिकल 243W के बेस पे एक्टिविटीज़ पे के बेस पे किया गया हो, तो वहाँ पे कंपोजिट होगा जिसमें गुड्स और सर्विस है और गुड्स की वैल्यू 25% से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में एग्जम्पशन मिलेगा। तो बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप ये केस पढ़ोगे ध्यान से, तो ये केस में हमने म्यूनसिपल एरिया में ये सर्विस दिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दिया, गुड्स और सर्विस से रिलेटेड दिया, 25% गुड्स की वैल्यू ज़्यादा नहीं है और आर्टिकल 243W से रिलेटेड है, तो ये एग्जम्पशन की सभी कंडीशन फुलफिल करता है और ये एग्जम्पशन की यहाँ पे सभी कंडीशन फुलफिल करेगा, तो यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा बेटा। अगर ये एग्जम्प्टेड सर्विसेज, तो यहाँ TDS नहीं काटा जाएगा, कम ऑन, यहाँ TDS नहीं काटा जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा अब आप आंसर चेक कर लो। हमने एनालिसिस तो कर लिया, एक और क्वेश्चन जिसका एनालिसिस हमें करना है, वो कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन लेंदी है पर जरूरी है कि हमें ये डिस्कशन के लिए। विल यू आंसर डिफरेंट इफ मनियर एंटरप्राइजेस इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम? ख्याल रहे, वो सप्लायर कंपोजिशन स्कीम वाला हो या कोई भी हो, TDS काटा जाएगा। TDS काटने के लिए एक्सेप्शन नहीं है, तो वो कंपोजिशन स्कीम वाला हो या कोई भी हो, TDS काटा जाएगा। तो ये केस में भी इवन मनियर एंटरप्राइजेस कंपोजिशन स्कीम में है, इवन उसका कंपोजिट रेट है, पर सामने वाला TDS काटेगा और आपके कैश लेजर में जमा होगा, बाद में आपने रिफंड क्लेम कर लेना, पर वो TDS काटा जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा लिखने का तरीका देखते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ आंसर देखते हो, तो वो यहाँ पे पहले उन्होंने पूरा थ्योरी एक्सप्लेन किया, कौन कौन TDS काट सकता है ये एक्सप्लेन किया यहाँ पे, फिर एक टेबल बनाया, टेबल में TDS के कैलकुलेशन उन्होंने किए। मैं आपको इतना ही कहूँगा बेटा यहाँ पे कि ये कैलकुलेशन आप एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, जो वैल्यू है इन्होंने, मैं एक करेक्शन कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने पोस्ट कार्ड के केस में, सुनो, पोस्ट कार्ड के केस में मैंने आपको कहा था कि 272,000 है, लेकिन वो इंक्लूसिव ऑफ GST इन्होंने लिया है, और इंक्लूसिव ऑफ GST लिखा लिया है, तो यहाँ वैल्यू जो है वो 230 आएगी बेटा, और ये वैल्यू अगर 230 आती है तो यहाँ TDS काटने की ज़रूरत नहीं है।
मैं एक पॉइंट वहाँ मिस कर गया, तो ये बेटा उन्होंने यहाँ पे उसकी नोट्स भी दी है। तो चलो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इस पे आ जाओ बेटा कि यहाँ पे अब लिखना कैसे, इतना लेंदी, और अगर ये 5-6 मार्क्स के लिए आया तो ये लगभग आधी घंटा ले लेगा आपका। अब मेरा फोकस है, कैलकुलेशन तो मैंने पढ़ा दिए, ये तो आपका आधी घंटा ले लेगा, तो क्या हमें इतना लेंदी आंसर लिखना पड़ेगा? नहीं बेटा, इसको शॉर्ट करो। शॉर्ट करने का यहाँ पे अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शॉर्ट करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करते वक्त यहाँ पे नीचे नोट्स दिए हैं, ऊपर उन्होंने प्रोविजन एक्सप्लेन किया है। ओके, इतना लेंदी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 5 मिनट के लिए आपको, सॉरी 5 मार्क्स के लिए आपको 8 से 9 मिनट मिलते हैं, तो इसको शॉर्ट कैसे किया जाए, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो आप ये मेरे डिस्कशन के बाद इमीडिएट करोगे। क्या करना, एक टेबल बेस बना लेना। ओके, टाइटल दे लेना कि TDS कैसे कटेगा, कैलकुलेशन ऑफ TDS। ओके, और ये टेबल में ये प्रैक्टिस करना, पर्टिकुलर्स, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये जरूर लिखना क्योंकि TDS काटने के लिए, पेमेंट कितना है क्योंकि आपके पेमेंट पे TDS कटेगा, और CGST, SGST और IGST यहां तक है। लेकिन आपने एक कॉलम और बनाना है, रिमार्क, जिसके लिए ज्यादा स्पेस रखनी है, रिमार्क, और जिसके लिए ज्यादा स्पेस रखनी है। और जो भी बेटा यहां पे ऊपर और नीचे नोट दिए वो रिमार्क में कंक्लूड करना है। जैसे यहां पे ओके, पहला फिशरी डिपार्टमेंट है। सुनो, अब प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहां फिशरी डिपार्टमेंट है, तो फिशरी डिपार्टमेंट के केस में मैं आपको ये कहूंगा कि आप लिखो, एज पर सेक्शन 51, ओके, इफ सर्विस या गुड सप्लाइड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन TDS will be deductible. बस एक लाइन में खत्म करो। In this case, a contract value is less than 2,50,000. वहाँ कैलकुलेशन भी बता दो, यानी नीचे की नोट भी कवर होगी, लेस देन 2,50,000. ओके, हेंस TDS will not be deducted. ठीक है, आप रिमार्क में लिख दिए, इनफ। हाँ, इतना आप कुछ पॉइंट्स कवर कर सकते हो स्टार्ट में, टेबल के स्टार्ट में, कि ओके हु विल डिडक्ट द TDS, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और 2,50,000 के ऊपर होगा तो TDS डिडक्ट होगा, तो ये 3 लाइन में खत्म कर देना। इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन का रिमार्क लिखते जाना, कैलकुलेशन बताते जाना। तो नेक्स्ट रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन TDS इसलिए डिडक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 2,95,000 का सप्लाई किया गया था। ओके, ये इंक्लूसिव ऑफ GST है, इसकी नोट हमने डिस्कस किया था। अगर आप नीचे नोट देखते हो तो .2,50,000 आता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमें एक्सीड चाहिए, इसलिए वहाँ पे TDS डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा केस भी हमने डिस्कस जो किया था कि PSU को सप्लाई किया, IGST का ट्रांजेक्शन जो पेमेंट है उसका TDS हमने निकाला। नेशनल हाउसिंग सोसाइटी केस में TDS डिडक्ट होगा, उसका TDS हमने निकाला। रिमार्क देते जाना ओके, कि भाई दिस नेशनल हाउसिंग सोसाइटी इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 51, दे विल ऑल्सो डिडक्ट द TDS ऑन द पेमेंट। ओके, ये पॉइंट छोटे छोटे करके लिखते जाना। उसके बाद में इंटीरियर डेकोरेटर, यहाँ सीधा सीधा प्रोविजन लिख देना, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लायर इन द सेम स्टेट, तो यहां पे TDS डिडक्ट नहीं होगा एज पर प्रोविजो। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट, ओके, एग्जम्प्टेड सप्लाई एक्सक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और रिमेनिंग जो है टैक्सेबल सप्लाई की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ओके, बैकवर्ड कैलकुलेशन यही रिमार्क में बताना, और वो लेस देन 2,50,000 है, इसलिए TDS डिडक्ट नहीं होगा। और यहां पर एग्जम्पशन लिख देना, एग्जम्पशन मिलेगा, ओके, इसलिए TDS डिडक्ट नहीं होगा। तो ये इतना बड़ा लेंदी, इसमें आप रिमार्क लिख के उसको शॉर्ट में बनाओ और ये कंप्लीट करो, और ये आप मेरे साथ अभी कंप्लीट करो, तो आपको हेल्प होगा, आपका सॉल्व भी हो जाएगा, शॉर्ट में समरी भी हो जाएगी, और आपको ये नीचे का कंटेंट ऊपर का कंटेंट पढ़ के उसको समराइज करना है। मैं जब पढ़ता था बेटा तो मैं ये प्रैक्टिस बहुत करता था, क्योंकि मुझे मालूम है सजेस्टेड आंसर, मेरा क्वेश्चनर्स का आंसर या यहाँ पे दिया आंसर, इतना लेंदी हमें पॉसिबल ही नहीं है लिखना, इसको समराइज कैसे किया जाए और सभी पॉइंट्स कवर कैसे किया जाए। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसके पॉइंट्स भी लिखने की कोशिश करो, तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प होगा। ये समझ में आया आपको बेटा? ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये था रिगार्डिंग टू यहां पे TDS से रिलेटेड। Just a minute.
बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो है बेटा, लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, इंटरनेट छोड़ दिया। अगर कोई किसी का पॉइंट गया होगा तो रिकॉर्डेड सेशन जो है ये रहेगा ही, उतना पोर्शन सुन लेना। लेकिन बेटा फिर से मैं अपना डिस्कशन को कंटिन्यू करूँगा। तो ये था बेटा, यहाँ पे आपको ये सभी शॉर्ट में करके, आपको रिमार्क में, ये बहुत लेंदी है लेकिन रिमार्क में समरी करके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। चलिए अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा। मिस नित्या हैज अ फॉलोइंग बैलेंसेस इन हर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज ऑन 28th ऑफ फेब एज पर जीएसटी पोर्टल। ठीक है, उसके कैश लेजर में बैलेंसेस दिए हैं। सीजीएसटी का बैलेंस दिया है टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी 40,000, 1,000 और 8,000, सॉरी 800। एस जी एस टी मेजर हेड में दिया है, माइनर हेड के बैलेंसेस आई जी एस टी बैलेंसेस उन्होंने दिए हैं। हर टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी 2020 फॉर सी जी एस टी एंड एस जी एस टी वॉज 75,000 ईच। मतलब सी जी एस टी की लाइबिलिटी और एस जी एस टी की लाइबिलिटी 75,000 ईच है। शी फेल टू पे टैक्स एंड कॉन्टेक्टेड यू एज अ लीगल एडवाइजर ऑन 12th ऑफ अप्रैल to advise her as to how much amount of tax or interest is required to pay if any by utilizing the available balance to maximum extent possible as per GST law she want to pay tax on 20th April। पहली बात तो मैं ये कह दूँ कि ये liability जो है वो February की है। I repeat, ये liability जो है वो February की है। Is it clear? Yes or no? दूसरा, ड्यू डेट आती है फरवरी की मार्च 20, पर मार्च 20 को उसने पे नहीं किया। ठीक है, हम मंथली अज्यूम करके चलते हैं। उसने अप्रैल में, ओके 12 अप्रैल को आपसे एडवाइस करने आई, ओके एडवाइस आपसे लेना है, और वो 20 अप्रैल को पे करने के लिए रेडी है। तो उसका कैश लेजर का बैलेंस है, पहले तो उसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको सेक्शन 50 से निकालना पड़ेगा। 21 मार्च से एनालिसिस चालू कर दो साइड में, 21 मार्च से, तो 20th अप्रैल तक का इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको 18% से करना पड़ेगा। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन उन्हें दिया है, डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ जीएसटी 18 फरवरी, नो अदर ट्रांजेक्शन इज डन अप टू 20th अप्रैल, ओके यानी उसका बैलेंस इंटैक्ट है 20th अप्रैल तक। इग्नोर पेनल्टी और लेट फी, एक पेनल्टी लेट फी आपको कैलकुलेट नहीं करना है। नो अदर बैलेंसेस आर अवेलेबल। अज्यूम करो कि उसका ITC वगैरह नहीं है, उसके पास सिर्फ कैश बैलेंस इतना पड़ा हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस विथ रेफरेंस टू लीगल प्रोविजन विथ ब्रीफ, ओके ऑन लीगल वॉट यू कैन एडवाइस हिम। तो इंटरेस्ट जो रेट है वो इंटरेस्ट रेट 18% पर एनम से, बिकॉज डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन होगा। फेब्रुवरी की ड्यू डेट मार्च मानी जाएगी। तो ऐसे ही सिचुएशन में बेटा दोस्तों आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको 21, ध्यान से सुनना, 21 मार्च से करना है। तो 21 मार्च से तो आपको यहाँ पे 20 अप्रैल तक का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो मार्च के आपके 11 डेज हो गए और अप्रैल के 20 डेज हो गए, यानी 31 डेज का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है। आप देख रहे हो 31 डेज का इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन फिर हमने देखा था, अब आपकी लायबिलिटी 75,000 है और इंटरेस्ट जो है वो आपका, ओके 1147 CGST और 1147 SGST का निकल रहा है। आपको यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा मेरे साथ। देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में आपकी टैक्स लाइबिलिटीज CGST की और इंटरेस्ट, और यहाँ पे SGST का टैक्स और इंटरेस्ट। लेकिन आपके पास जो कैश लेजर में बैलेंसेस पड़े हुए हैं, वो कैश लेजर में बैलेंसेस जो है, ओके ये बैलेंसेस आप अब रिस्पेक्टिव हेड में ही यूज़ कर सकते हो। तो CGST के कैश लेजर में 40,000 है, तो आप वो 40,000 का 75,000 का पेमेंट है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। SGST के टैक्स हेड में,
आई रिपीट ऑफ 80,000 है तो वो आप 75,000 के लिए यूज़ कर सकते हो। इंटरेस्ट में ऑलरेडी 1,000 पड़ा हुआ है और यह इंटरेस्ट में 400 पड़ा हुआ है, तो आप ये रिस्पेक्टिव बैलेंस यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप रिस्पेक्टिव बैलेंस यूज़ करते हो तो आपकी अमाउंट पेएबल आएगी। अब सवाल है कि आपके अदर हेड में बैलेंसेस पड़े हुए हैं, तो अदर हेड में बैलेंसेस पड़े हुए हैं तो क्या वो यूज़ कर सकते हो? तो कैश लेजर आपका अलाउ नहीं करता है। लेकिन इससे रिलेटेड अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी आप रिस्पेक्टिव बैलेंसेस ही यूज़ करोगे तो आपके पास 40,000 का बैलेंस था, इंटरेस्ट का 1,000 का बैलेंस था आप यूज़ करोगे, यहाँ पे आपके पास एक्सेस बैलेंस था एसजीएसटी में, ठीक है, पर इंटरेस्ट 400 ही बैलेंस था इसलिए आपको रिमेनिंग पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब आप रिस्पेक्टिव अदर बैलेंसेस यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने रूल 87 में एक अमेंडमेंट किया था बाय नोटिफिकेशन, रूल 87-13, और रूल 87-13 में जो अमेंडमेंट किया था, ओके, वो अमेंडमेंट यहाँ पे कि आप एक लेजर कोई भी माइनर हेड मेजर हेड के बैलेंस दूसरे इसमें शिफ्ट कर सकते हो बाय PMT 09 चालान, ओके, बाय PMT 09 चालान, ये मैंने अमेंडमेंट में भी कवर किया है। लेकिन बाद में ICAI ने स्टैट्यूटरी अपडेट्स में ये अमेंडमेंट कवर नहीं की, जबकि मेरे हिसाब से ये अमेंडमेंट जो बाय रूल हुई थी वो आपके एग्ज़ाम के लिए 31 अक्टूबर के पहले हुई थी, लेकिन ICAI के स्टैट्यूटरी अपडेट्स में नहीं है। तो कन्फ्यूजन हो गया कि फिर हमें एग्ज़ाम में अप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, ये तो कन्फ्यूजन हो ही गया बेटा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अब वो जो कोई भी हेड के बैलेंसेस, अब कोई भी हेड के बैलेंसेस मतलब आपके पास अदर हेड में बैलेंसेस पड़े हुए हैं, एक नई प्रोसीजर आई कि अदर हेड में बैलेंसेस पड़े हैं और इधर आपका पेबल आ रहा है, आपका पेबल बेटा CGST 35,000 आ रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 747 SGST का आ रहा है, आप दूसरे माइनर हेड के बैलेंसेस शिफ्ट कर सकते हो क्या? और यहाँ पे रूल 87 में, ओके, PMT 09 से आप शिफ्ट कर सकते हो बैलेंसेस, ये प्रोविजन आई थी, लेकिन ये स्टैट्यूटरी अपडेट्स में नहीं है ICAI के। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर एक डिस्कशन चालू था कि भाई रूल से कैसे अथॉरिटी मिल सकती है जब सेक्शन ही बोलता है कि तुम शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो अब 31 अक्टूबर तक इवन दो नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन आपके एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस में उन्होंने PMT 09 का रेफरेंस नहीं लिया है और इंस्टीट्यूट के स्टैट्यूटरी अपडेट्स में भी वो कवर नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने सॉल्व ऐसे ही करना है, लेकिन एक स्टूडेंट नोट डाल देना है नीचे, सुनो, एक स्टूडेंट नोट डाल देना है नीचे और ये डालना है कि नाउ अ बैलेंसेस ऑफ मेजर हेड और माइनर हेड कैन बी शिफ्टेड, ओके, विथ रेफरेंस टू PMT 09 चालान। बस एक लाइन डाल देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ कैलकुलेशन करके नहीं बताना है, स्पेशली जिसका अटेम्प्ट अभी जुलाई है तो आपको कोई कैलकुलेशन करके नहीं बताना है। आप समझ रहे हो इस बात को बेटा? येस और नो? ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चलो ये सॉल्व करते हैं। यश शॉपी अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज लोकल अथॉरिटी, अगेन सेक्शन 51 का प्रॉब्लम है, TDS का है। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू TDS अंडर सेक्शन 51 एंड ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी to be deducted from each of the receivable given below, assuming that payment as per contract values made on 31st 10 2020, ठीक है, पेमेंट सबका हो गया है, CGST SGST and IGST rate 6, 6, 12%, ओके, चलो आगे देखो क्या कहते हैं। सप्लाई ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी टू पब्लिक सेक्टर PSU लोकेटेड इन मुंबई, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,72,000, ऐसा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था और ये इंक्लूसिव ऑफ GST है बेटा, आई रिपीट, ये इंक्लूसिव ऑफ GST है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको ये कहूँगा कि यस, अगर इंक्लूसिव ऑफ GST होगा तो बैकवर्ड कैलकुलेशन करो, अमाउंट 2,50,000 से कम आएगी तो ये केस में आपको GST काटने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो PSU को दिया गया। सप्लाई ऑफ एयर कंडीशन, ओके, टू GST डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,55,000 है और एक्सक्लूसिव ऑफ GST है तो यहाँ पे TDS कटेगा और यहाँ पे ये अज्यूम किया है कि फुल पेमेंट किया है इसलिए टोटल पेमेंट के बेस पर 2,55,000 पे TDS काटा जाएगा, ठीक है।
दूसरे बाद में सप्लाई ऑफ जनरेटर रेंटिंग टू सर्विस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ जयपुर, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3,50,000। अगर बैकवर्ड कैलकुलेशन में भी किया तो आपका TDS कटने का प्रोविजन रहेगा बेटा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको इंट्रास्टेट इंटरस्टेट देखना है। सप्लायर जयपुर का है और पहला मुंबई में, यानी IGST, ये पहला तो ठीक है TDS कटेगा ही नहीं। दूसरा दिल्ली दिया गया और तीसरा जयपुर दिया गया, तो पहले केस में IGST कटेगा और नेक्स्ट केस में बेटा CGST SGST कटेगा। हमें बस टेबल वैसा ही बनाना है जैसा मैंने आपको कहा है और रिमार्क में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। ओके, तो इसमें यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं थी। ओके, ये हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे मैं कहूँगा, तो ये हमारे मॉड्यूल वन में, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड्यूल वन में जो है, ओके, वो क्रेडिट यूटिलाइजेशन, IGST का क्रेडिट, CGST SGST, CGST का क्रेडिट, ओके, SCGST IGST, ये इसके बेस पे है। तो ये आपने सॉल्व करना है क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम है और हमने मॉड्यूल वन में कवर किया था। तो ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए, ओके, रिगार्डिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स। इतने ही क्वेश्चन आपके एडिशनल प्रैक्टिस में, बाकी क्वेश्चन के लिए आपको मेरा क्वेश्चनर्स ओके रेफर करना पड़ेगा। तो यहां हमारा डिस्कशन जो है कंप्लीट होता है बेटा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, मैं यहां पे अब जूम की लिंक आपको देने वाला हूं और मैं अभी जूम पे आऊंगा। यहां जो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जूम पे, अब ये हमारा लाइव सेशन यूट्यूब पे क्लोज हो जाएगा, जूम की लिंक आपको मिल जाएगी और जूम पे आपको लिंक होना है। एक बात आपको कह दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर जूम चाइनीज ऐप है और चाइनीज़ ऐप को हमने बैन करना चाहिए। तो दोस्तों मैं इतना कहूँगा, जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनको तो जूम की लिंक, तुम मैं लिंक में नहीं रहूँगा, लेकिन जो अभी लाइव मेरे साथ कनेक्टेड है तो उनको जूम की लिंक मैं देने वाला हूँ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहे थे कि सर यहाँ ये जो जूम की लिंक है ये चाइनीज़ ऐप है और इसको जो है हमने यूज़ नहीं करना चाहिए, अदर ऐप जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं भी अदर ऐप्स रिलेटेड यूज़ टू हो रहा हूँ, डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे। और पहली बात तो ये कह दूँ बेटा, जूम जो है थोड़ा हम इसका DNA करते हैं। जैसे ही मुझे कल स्टूडेंट ने कहा कि सर ये चाइनीज़ ऐप है और हमने यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैंने इसका DNA किया और मैंने यहाँ पर देखा कि जूम जो है चाइनीज़ ऐप है या नहीं है। बेटा हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इसको जो है, पहली बात तो ये जूम, ओके, नासदाक यानी US में, ओके, US स्टॉक एक्सचेंज में होता है। इसके फाउंडर जो है, ओके, यहाँ पे एरिक योन, ये जो है, हाँ, ये चाइना में इनका बर्थ है, लेकिन इनकी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, मैंने ऑनलाइन सर्च किया, ये US में रजिस्टर्ड है। इसलिए हम अगर जूम यूज़ कर रहे हैं तो ये पैसा US को जा रहा है, ओके, जो मोदी जी के खास फ्रेंड है ट्रम्प, ओके, तो पैसा चाइना नहीं जा रहा है, US जा रहा है। और दूसरी बात बेटा, इनकी नेशनलिटी, अगर आप थोड़ा इनके बारे में पढ़ोगे एरिक योन, तो इनकी नेशनलिटी जो है, ओके, ये यहाँ इवन दो बॉर्न चाइना के है, लेकिन ये नेशनलिटी इनकी अमेरिकन नेशनलिटी है, अभी ये अमेरिका में रहते हैं। तो हमें फालतू डिस्कशन में तो नहीं जाना है, लेकिन ओके, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने यहाँ पे इसका एनालिसिस किया और आपको बताया, ठीक है। लेकिन नो डाउट हम इंडिया का ही ऐप यूज़ करेंगे, अभी नमस्ते ऐप इंडिया का जूम जैसा आ रहा है, ओके, फिर वो गूगल को या जूम को है तो दोनों US के ही, पर हमने इंडिया का यूज़ करना चाहिए और मैं बिल्कुल आपके फेवर में हूँ, नमस्ते आ रहा है। लेकिन अभी वो सिर्फ एंड्रॉयड बेस नहीं आया है, वो जो है आईफोन के लिए आया है, तो एंड्रॉयड बेस नहीं है बेटा। तो ऐसे सिचुएशन में अभी हम जूम यूज़ करेंगे, इस ये डिस्कशन का यहाँ पे पॉइंट नहीं है, अननेसेसरी कमेंट पास मत करना। तो मैं आपको अभी यहाँ ऑनलाइन मैसेज में जूम की लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक को आपको कनेक्ट करना है और यहाँ, ओके, जूम से कनेक्ट आपको होना है। इज इट क्लियर? तो मैं 5 मिनट के अंदर जूम से कनेक्ट होगा, जिसके डाउट्स और क्वेश्चन है वही कनेक्ट होंगे, ओके, जिसके डाउट्स और क्वेश्चन नहीं है, ओके, वो प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करे और पढ़ाई को लग जाए, ठीक है बेटा। तो चलिए,
बेटा यहाँ पे मैंने आपको जूम की लिंक दे दी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। कल सेशन इसी टाइम पे होगा @12:30। जो स्टूडेंट्स को ये वर्थफुल लगता है वो स्टूडेंट्स यहाँ कीजिए, जो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बाद में हम यहाँ ज़्यादा स्पीड में देख लेंगे वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, और जो स्टूडेंट को ये वर्थ नहीं लगता है वो अपना टाइम वेस्ट करके डिसलाइक भी मत कीजिए, क्योंकि डिसलाइक करने में भी टाइम वेस्ट होता है। ये सब आपके लिए बेटा। तो चलिए यहाँ हमारा सेशन रोकते हैं, गुड डे, कल वापस 12:30 को मिलेंगे, यही टाइम हमारा रहेगा 12:30 दोस्तों। और अपना पूरा ख्याल रखिए, सभी प्रिकॉशनरी मेजर फॉलो कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।